9 साल, इतने सालों बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान की धरती पर कदम रख रहा है। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। यह दौरा न सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के नजरिए से भी बेहद खास माना जा रहा है। पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली SCO समिट की मेजबानी इस बार पाकिस्तान कर रहा है। और खास बात यह है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालांकि ये एक बहुपक्षीय कार्यक्रम है, लेकिन इसके इर्द गिर्द कई राजनीतिक और कूटनीतिक समीकरण भी पनप रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया था। उस समय उन्होंने अफगानिस्तान पर एक सम्मेलन में हिस्सा लिया था। लेकिन तब से लेकर अब तक भारत पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत कुछ बदल चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बीते कई सालों से तनावपूर्ण हैं, और यही वजह है कि समिट में कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। विदेश मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दिया था, इस दौरे का मकसद केवल SCO के सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय चर्चाओं में हिस्सा लेना है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक डिनर का आयोजन किया है, जिसमें एस जयशंकर समेत अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह डिनर समिट के औपचारिक उद्घाटन से पहले ही हो रहा है। आपको बता दें, SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में रूस, चीन, किर्गिज गणराज, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके स्थायी सदस्य बने। इस संगठन का मकसद है क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। जयशंकर ने अपने बयान में पहले ही साफ कर दिया है कि वे यहाँ भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि SCO के एक अच्छे सदस्य के तौर पर हिस्सा लेने आए हैं। शंघाई सहयोग संगठन की इस समिट पर सबकी नजरें हैं, और खासकर इस्लामाबाद में हो रही इस महत्वपूर्ण बैठक पर, जहां भारत और पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साथ खड़े हैं।